जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो मैम आप सभी के लिए हरियाणा की सुबह सुबह की टॉप 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, हरियाणा की ताजा खबरें हरियाणा के मुख्य समाचार के रूप में। अगर आप हरियाणा से हैं तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप रोजाना हरियाणा के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हां, सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है किसान आंदोलन को करके, आपको बता दें आज किसानों का अहम दिन। वहीं किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या मसला सुलझेगा, कोर्ट कानून निरस्त कर सकता है। आपको बता दें किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है। दरअसल किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाएं कोर्ट में दायर हुई थी। कुछ याचिकाओं में आंदोलन को खत्म करने की मांग की गई है तो कई याचिकाओं में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही गई है। इन्हीं सब याचिकाओं पर अब चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। इस मामले की आखिरी सुनवाई 17 दिसंबर को ही थी। सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मसला सुलझ सकता है। तो जहां से साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें CM खट्टर का बड़ा बयान, बोले किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का हाथ। हरियाणा के CM खट्टर ने कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कांग्रेस और कम्युनिस्टों से पोषित बताया। खट्टर ने आरोप लगाया है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का हाथ है। हरियाणा के कैमला गांव में किसानों की रैली में काले झंडे दिखाए जाने के मामले में CM मनोहर लाल खट्टर ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कृषि कानून को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। किसानों से बातचीत के लिए रैली का आयोजन किया गया था और इसमें किसानों की सहमति भी थी, लेकिन कुछ लोगों ने सहमति का उल्लंघन करते हुए नारेबाजी और विरोध किया, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से मेरा हेलीकॉप्टर दूसरी जगह उतारना पड़ा। और वहीं CM ने कहा है कि कोई भी समर्थन या विरोध को बातचीत से ही सुलझाया जाता है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वे गलत फहमी में ना रहें, लोकतंत्र में विश्वास पैदा करें, वरना लोगों ने सबक जरूर सिखाएंगे। जी हां, इसी के साथ जान लेते हैं हरियाणा का मौसम। आपको बता दें शीत लहर ने छुड़ाई कपकपी, ठंड अभी 2-3 दिन और करेगी बेहाल। आपको बता दें हरियाणा के कई जिलों में ठंड और शीत लहर ने लोगों को बेहाल किया है। करनाल जिले में रविवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह के समय नमी की मात्रा 95% दर्ज की गई। हवा 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली, जो शीतलहर में तब्दील हो गई। बता दें कि पिछले दिनों हुई बरसात के बाद अब ठंड ने यू टर्न लिया है। वहीं जिले में ठंड ने लोगों को कपकपी छुटाई और हालांकि छुट्टी होने के चलते सड़कों पर चहल पहल कम रही, पर जरूरी कामों से घर से निकलने वाले लोग ठहरते दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन शीत लहर परेशान करेगी, ठंड चरम पर पहुंच सकती है। तो जी हां, अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें हरियाणा में पहली बार सहकारी चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन शुरू। कैथल पलवल में भी होगी शुरुआत इसकी। गुड़ और शक्कर के बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहली बार सहकारी चीनी मिलों में इनका उत्पादन शुरू किया है। सहकारी चीनी मिल महम ने सबसे पहले गुड़ और शक्कर का उत्पादन और बिक्री शुरू कर दिया है। कैथल और पलवल की सहकारी चीनी मिलों में भी इस सप्ताह से उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहाँ अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें शैलजा बोली, खत्म हो चुकी है गठबंधन सरकार की सियासी जमीन। रणदीप सुरजेवाला ने भी साधा निशाना। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार राज्य की जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। रविवार को करनाल के गांव कैमला में किसानों द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किसान महापंचायत का विरोध, इसी की एक और तस्वीर है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने पंचायतों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया है, उसी तरह से यदि मौजूदा समय में भाजपा जजपा सरकार पर राइट टू रिकॉल अपनाया जाए तो यह सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। यह अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें हरियाणा ग्राम सचिव की परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर है। ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा में आयोग ने पूछा कैथल से जुड़ा सवाल, थेह पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहां स्थित है। आपको बता दें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। रविवार दोपहर बाद आयोजित परीक्षा में आयोग ने कैथल से जुड़ा सवाल पूछा। प्रश्न था थेह पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहां स्थित है। आयोग ने इसके लिए 4 विकल्प दिए थे, पानीपत, कैथल, फरीदाबाद और करनाल। प्रश्न का उत्तर कैथल है।
थे पोलर कैतल में पटियाला मार्ग पर स्थित गांव है, जिसे हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी माना जाता है। जी हां, अगली बड़ी खबर है, प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। सीएम ने की घोषणा, गरीबों को फ्री वैक्सीन देने का किया वादा। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी को शुरू होगी। सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की है, गरीब परिवारों को वैक्सीन निःशुल्क दी जाएगी। लोग सहयोग करेंगे तो अन्य के लिए सब्सिडाइज भी हो सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अन्य लोगों को वैक्सीन पर सब्सिडी मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग के ACS राजीव अरोड़ा ने पहले चरण में करीब 6 लाख डोज आने की संभावना जताई है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर है, बर्ड फ्लू को लेकर के बड़ी खबर है। दूसरे दिन 13,845 मुर्गियों को मारकर दबाया गया, टीम ने निगरानी बढ़ाई। पंचकुला से बड़ी खबर है, बरवाला राय पुरानी एरिया में पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद दूसरे दिन भी मुर्गियों को मारा गया। सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म और नेशनल पोल्ट्री फार्म की 13,145 मुर्गियों को मारा गया। डॉक्टर की टीम अभी भी बरवाला एरिया में ही रोकी गई है। वहीं अब पोल्ट्री फार्म मालिक को कहना है कि जब वे वायरस मुर्गी से इंसान में नहीं जा सकता तो क्यों 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां मारी जा रही हैं। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बोले, हर खेत को देंगे पानी, किसान की न्यूनतम 1 लाख की आय होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मनोहर लाल ने हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्रत्येक किसान को कम से कम 1 लाख रुपए की आय की गारंटी सरकार देगी। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर है, आंदोलन में शिक्षा MA व PhD होल्डर 7 युवाओं ने बॉर्डर पर शुरू किया स्कूल। 200 से ज्यादा बच्चों को करवा रहे हैं पढ़ाई, स्किल सुधारने पर फोकस। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन जारी है, जहां सड़कों पर बैठकर किसान दिन भर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं 7 युवाओं ने मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है। KFC मॉल के ठीक सामने टेंट के अंदर काफी बच्चे बैठे दिखाई दिए, अंदर जाने लगे तो गेट पर रोक लिया गया और कहा कि पहले जूते बाहर निकालो और फिर रजिस्टर में एंट्री करो। तो जी हाँ, ये बड़ी एक मुहिम है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव को लेकर के, हरियाणा सरपंच चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वहीं सरकार के द्वारा लिया गया है अहम निर्णय। आपको बता दें, जो टेंडर प्रक्रिया है वो 21 जनवरी को पूरी हो जाएगी। उसके बाद बैलेट पेपर की छपाई शुरू होगी। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, सरकार ने तय किया है, राज्य सरकार आयोग की ओर से आपको बता दें, यहां पर बताया गया है कि जो चुनाव है तय समय पर ही होंगे और जो 24 फरवरी के पहले ही चुनाव हो सकेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जनवरी के अंतिम सप्ताह तक अधिसूचना जारी हो सकती है। तो जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। तो जी हां, मैंने आप सभी के लिए हरियाणा की सुबह सुबह की 25 फटाफट खबरें कैसी लगी। खबरें अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करके पहली बार चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।